टू माय चैनल ग्रेवी गली। आज की मेरी रेसिपी है मटन लवर्स के लिए। जो लोग मटन खाना पसंद करते हैं जैसे कि मैं, मुझे चिकन से ज़्यादा मटन अच्छा लगता है, तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। मैंने कभी बचपन में जो अपनी मम्मी और नानी के हाथ का खाया था वो टेस्ट तो आ ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की, शायद वो जो टेस्ट होता है वो शायद उन्हीं के हाथ में है, बट हम उनसे सीखे ज़रूर हैं। लेकिन वही जो टेस्ट है अब हमारे बच्चे बोलते हैं कि वो हमारे हाथ में है, जो कि किसी और के हाथ में नहीं मिलता। तो ये एक रिवायत कह लो या एक परंपरा कह लो जो चली आ रही है, क्योंकि मम्मियों के हाथ का, नानियों के, दादी के हाथ का कोई मुकाबला नहीं है। तो आज ही मैं बताने जा रही हूँ आलू मटन, आलू वाला मीट। तो चलिए कर लेते हैं इसकी तैयारी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 kg मटन ले लिया है, चाप सीना पुट का मैं लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे पीसेस होते हैं, इसके रेगुलर यूज़ में हम लोग यही वाले पीसेस कटवा के लेके आते हैं। तो चलिए आज फिर बनाने जा रही हूँ मैं आलू वाला मीट, तो कर लेते हैं इसकी तैयारी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली काट के और मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं इसको पीस के पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें ये पेस्ट मिल गया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आलू मटर बनाने की। ये मैंने तो भाई अपना एक नाप बनाया हुआ है, ऑयल घी जो भी मुझे 1 kg चीज़ में कुछ भी बनाना होता है तो मैं इसी से ही नापती हूँ। 1 kg मटन या चिकन के लिए ये मैं लेती हूँ पूरे 2 ladle फुल। बस ये हमें 1 kg मटन, अगर आपका मटन चिकना है, उसमें थोड़ी सी चिकनाई है या फैट है उसमें, तो आप थोड़ा सा इसको कम ले सकते हैं, क्योंकि वो भी मटन भी अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। और ये है खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, और ये है छोटी इलायची, और ये कुछ लौंग ले ली हैं, और काली मिर्च। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड, यहाँ मैंने ये जो इलायचियाँ हैं इनको थोड़ा सा कूट लिया है, जिससे कि इसकी खुशबू अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और अब हम गरम तेल में ये सारे गरम मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले जितने भी हैं। बस इसको 4 से 5 सेकंड हमें भूनना है, जिससे कि इसकी जो खुशबू है और वो सब ऑयल में हो जाए। और अब हम ये जो पिसा हुआ प्याज है, जो मैंने पीसा था, मिक्सी किया था, इसको मैं गरम तेल में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल मत लीजिएगा, नहीं तो सारे छींटे आ जाएंगे। और अब हमें इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि कटे हुए प्याज जो होते हैं वो जल्दी भुन जाते हैं, और जो पेस्ट की हुई प्याज है वो थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा निकल आता है उसमें, और साथ ही हमें इसीलिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। और एक तरफ हम कर लेते हैं तैयारी। ये खट्टा करने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है इसकी, और थोड़ी सी ग्रेवी भी थिक हो जाए। आप चाहे तो टमाटर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, जब हमारा मटन भुन जाएगा उसके बाद। अभी ये घर का जमा हुआ थिक दही है, तो मैं इसको बीट करके साइड में रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ी सी ब्राउन हुई है, हमें थोड़ा और ब्राउन करना है इसको। अभी ये थोड़ी कम ब्राउन है, अगर हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे ना तो हमारा जो मटन है वो थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप लगेगा, उसमें मज़ा नहीं आता। जब हम इसको ब्राउन कर लेंगे तो एक अलग ही अरोमा हो जाता है, और साथ ही हमारी जो ग्रेवी बनती है वो मीठी मीठी नहीं बनती। फ्रेंड, ये बात तो तय है कि पहले जो हमने अपने टाइम पे मटन खाया था उसका टेस्ट और आज का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग होता है। अपने मसालों के साथ बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो एक रॉ का पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो आज के टाइम पे है ही नहीं। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं मसालों से उसको कवर अप करने की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब परफेक्ट ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे मटन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 बार, एक एक
पीसेस को आप अच्छे से वॉश करें। मीडियम गैस पे ही हमें इसको भूनना है। फ्रेंड अभी हम इसकी करेंगे भुनाई, कम से कम 15 से 20 मिनट हमें इसको भूनने में लगेंगे तभी ये अच्छी तरह से भुनेगा। और अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। 1 किलो मटन में 1.5 टीस्पून आराम से जाता है, बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है। बस इसको हम भूनेंगे पानी रिलीज़ होने तक। ये मेरे पास आलू हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ 2 पीस करेंगे। और अभी तक मैंने इसमें लहसुन अदरक नहीं डाले थे, वो इसलिए नहीं डाले थे, अगर आप पहले लहसुन अदरक डाल लेते तो होता क्या कि ये भून नहीं पाता ठीक से और चिपकता ही रहता कुकर के बेस में। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ इसको प्याज के साथ ही भूनें, अदरवाइज़ ये अदरक लहसुन अगर आप डाल देंगे पहले तो ये चिपकता रहेगा और भून नहीं पाएगा ठीक से। मैं 2 भर के डाल रही हूँ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले। ये मैंने ली है जो अपनी तीखी वाली मिर्ची होती हैं, ये मैंने वो ली है 1 चम्मच 1 टीस्पून भर के। और 1/2 टीस्पून मैं लूँगी कश्मीरी मिर्च और ये 1/4 चम्मच के करीब मैं लूँगी हल्दी। 1 चम्मच के करीब भर के मैं लूँगी धनिया पाउडर। अभी हमें इसको इसी तरह से भूनना है, पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा हम गैस को कम कर देंगे। ये देखिए, ये अभी मटन जो है भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। फ्रेंड यहाँ मैंने दही ऐड कर दिया है और दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। ये देखिए इसका सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। डालेंगे पानी, करीब 600 ml के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। फ्रेंड अब मैं लगाऊंगी इसका ढक्कन और ढक्कन लगाने के बाद करीब इसमें मैं 4 विसल दूंगी और उसको ऐसे ही ठंडा होने छोड़ दूंगी। यहाँ कुकर की जो स्टीम थी अपने आप रिलीज़ हो गई थी और अब मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। इसको एक बार चला देंगे अच्छे से और ये जो कटे हुए आलू थे मैं इसमें डाल दूंगी। इस वक्त आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि आप यहाँ पे नमक टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, अगर कम है तो और ऐड कर दीजिए और अगर ज़्यादा है तो आप उसमें 1 आलू और काट के डाल दीजिएगा। और अब मैं वापस से इसका जो लिड है वो लगा कर 2 विसल दे दूँगी और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड आलू डालने के बाद ये कुकर अपने आप ठंडा हो गया था और अब मैंने इसका लिड हटा दिया। ये देखिए कितना सुंदर हमारा आलू वाला मीट बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से और इसको अच्छे से मिला देंगे जिससे कि मसाला चारों तरफ मिल जाए। और साथ ही मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूंगी, इससे टेस्ट और इसकी देखने में लुक्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और खाने में तो स्वाद होता ही है नो डाउट। ये देखिए फ्रेंड बनके तैयार है हमारा आलू मीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।